हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एसयूआई की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9th एसएससी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में मैं आपको वाक्य संश्लेषण समझाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं इसे हम जान लेते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया व समझाया था कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है और वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं और शब्दों के मिलने से वाक्यों की संरचना होती है। वाक्य के अंग मैंने बताए थे और मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल देते हुए मैंने लिखा था, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ता है यह क्या हुआ, विधेय हुआ। इसके उपरांत बच्चों, मैंने आपको वाक्य के भेद बताए थे। मैंने बताया था कि वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला बताया था अर्थ के आधार पर और दूसरा बताया था रचना के आधार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला बताया था विधानवाचक, दूसरा बताया था बच्चों निषेधवाचक, तीसरा बताया था आज्ञावाचक, चौथा बताया था संकेतवाचक, पांचवा था प्रश्नवाचक, छठा था इच्छावाचक, सातवां बताया था बच्चों मैंने संदेहवाचक वाक्य, और आठवां हुआ अंतिम वाक्य भेद था विस्मयादिवाचक वाक्य। यह जो भेद मैंने बताए थे या बताए हैं, यह अर्थ के आधार पर हैं। इसके बाद बच्चों, वाक्य का भेद जो दूसरे आधार पर किया गया है वह है संरचना या रचना के आधार पर। संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित। बच्चों, आप सभी लोग अपनी हिंदी की व्याकरण की अंतर्गत पेज संख्या 295 निकालें और वाक्य संश्लेषण टॉपिक जो दिया हुआ है उसको मेरे साथ बहुत ध्यान से पढ़ें। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है मिलाना। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, मिलाना। इस प्रक्रिया में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। उन्हें सुनिए, संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मिलाना। इस प्रक्रिया में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे कई वाक्य दिए हैं, मोहन मेरा मित्र है, वह डॉक्टर है, तीसरा वाक्य वह बहुत और वह बहुत उदार और विनम्र है। इन तीनों वाक्यों को हमें क्या करना है, संलिष्ट वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसका क्या हो सकता है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, देखिए, मेरा मित्र डॉक्टर मोहन बहुत उदार और विनम्र है। अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पहला वाक्य है मीरा घर आई, उसी के साथ दूसरा वाक्य दिया हुआ है उसने किताब निकाली, तीसरा वाक्य उसी ने दिया हुआ है वह पढ़ने बैठ गए। अब इन तीनों सरल वाक्यों को हम क्या करेंगे, जोड़कर एक संलिष्ट वाक्य की संरचना करेंगे। तो क्या हुआ, मीरा घर आकर किताबें निकालकर पढ़ने बैठ गए। तो ये वाक्य कैसा हुआ बच्चों, संलिष्ट वाक्य। अगला देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, 3 वाक्य सरल वाक्य दिए हुए हैं, मेरा भाई राकेश है, वह खेलों में अच्छा है, वह पढ़ाई में भी अच्छा है। यदि हम इन 3
पढ़ाई दोनों में अच्छा है। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपकी पुस्तक में, मैंने एक बच्चा देखा। दूसरा बात यह है इसी में, वह स्कूटर चला रहा था। अगला है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब इन तीनों सरल वाक्यों को मिलाकर, मिलाने की प्रक्रिया हम करते हैं और एक संलिष्ट वाक्य की संरचना करते हैं। वह वाक्य इस प्रकार होगा, मैंने स्कूटर चला रहे बच्चे को देखा जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बच्चों चौथा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जंगल में एक शेर था। शेर दहाड़ रहा था, उसने हिरण पर हमला किया। अब इसका संलिष्ट वाक्य यदि हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, जंगल में दहाड़ते हुए शेर ने हिरण पर हमला किया। पांचवा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, बाग में झील है, झील में पानी है, पानी नीले रंग का है। अब हम इसका संलिष्ट वाक्य यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाक्य में स्थित झील में नीले रंग का पानी। तो बच्चों आज का टॉपिक मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अभ्यास कार्य आपको दे रही हूँ और इस अभ्यास कार्य को आपको अपनी HW की कॉपी पे बहुत सुंदर राइटिंग में करना है। तो चलते हैं अभ्यास कार्य पर आइए, देखते हैं। पहला अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय अलग अलग करके लिखो। पहला वाक्य देखिए, राम भक्त हनुमान ने सीता का पता लगाया। इस वाक्य में आपको उद्देश्य अलग करना है और विधेय भी अलग करना है। दूसरा वाक्य है, फल बेचने वाली बुढ़िया कल रात से बीमार है। तीसरा वाक्य दिया है, पिंजरे में बंद तोता बहुत सुंदर है। चौथा वाक्य दिया हुआ है बच्चों, मेहनती और ईमानदार मजदूर पेट भर पेट रोटी कमा लेता है। वाक्य को नहीं सुनने, मेहनती और ईमानदार मजदूर भर पेट रोटी कमा लेता है। पांचवा वाक्य दिया हुआ है, विद्यालय के नए प्रधानाध्यापक ने आज भाषण दिया। इन वाक्यों में आपको क्या करना है बच्चों, उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखना है। तो आप अपनी कॉपी के पेज के दो कॉलम बना लेंगे और एक तरफ उद्देश्य लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, विधेय लिखेंगे। छठा वाक्य है बच्चों, लाल पीले फूलों वाले गमले इधर रख दो। सातवा वाक्य है, एक गिलास ठंडा शरबत पी लो। आठवां वाक्य है, पढ़ाई में कमजोर छात्र फेल हो गया। नवे वाक्य पर आते हैं, लाल कोट वाला व्यक्ति कल हमारे घर आया था। दसवें पर आते हैं, मेरे भाई का मित्र रमेश अपने गांव गया है। तो स्पष्ट हुआ अभ्यास कार्य के अंतर्गत बच्चों दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद बताइए। अर्थ के आधार पर आपको क्या बताने हैं, भेद बताने। और मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। तो आपको उन आठों भेदों में से यहाँ पर जो भी भेद है वाक्य का, उस भेद को पहचान कर उस वाक्य के उस भेद को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। इसके अंतर्गत पहला दिया हुआ है वाक्य, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। दूसरा है, नौ वर्ष मंगलमय हो। तीसरा है, हाय मैं तो मर गया। चौथा वाक्य देखिए, तुम बिस्तर पर मत बैठो। पांचवें वाक्य पर आते हैं बच्चों, कल तक अवश्य आ जाना। छठा वाक्य दिया हुआ, छात्राएं काम कर रही हैं। सातवां दिया हुआ है, अब तक गाड़ी पहुंच चुकी होगी। आठवां वाक्य, क्या राम पढ़ रहा है। नवा वाक्य है, दीर्घायु हो। और दसवां वाक्य दिया हुआ है, पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तो बच्चों ये जितने भी दस
वाक्य मैंने बताया, इन वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। बच्चों तीसरे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करें। पहला दिया है, वह पार्टी में नहीं आ सका क्योंकि वह अस्वस्थ था। इस वाक्य को आपको क्या बनाना है, सरल वाक्य बनाना है। दूसरा दिया हुआ, थोड़ा रुककर बोलिए। इस वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। तीसरा देखिए, मेरे घर में काम करने वाला नौकर भाग गया। इस वाक्य को किस वाक्य में परिवर्तित करना है बच्चों, मिश्रित वाक्य में। चौथा वाक्य है, यह वही लड़का है जिसने गाली दी थी। इसको आपको परिवर्तित करना है सरल वाक्य में। पांचवा वाक्य दिया हुआ है, परिश्रमी छात्र सबको अच्छे लगते हैं। और इस वाक्य को बच्चों आपको परिवर्तित करना है मिश्रित वाक्य में। अगला दिया हुआ है, वह नहाकर स्कूल चला गया। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। सातवां है, रमेश देर तक जागा और सुबह देर से उठा। इस वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। आठवां वाक्य दिया है, क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। इस वाक्य को बच्चों आपको मिश्रित वाक्य में क्या करना है, परिवर्तित करना है। नवा वाक्य दिया गया है, इसके अंदर जब सूर्योदय होता है तो सब जान जाते हैं। इस वाक्य को सरल वाक्य में क्या करना है, परिवर्तित करना है। इसके बाद देखिए बच्चों दिया हुआ है, दसवां और अंतिम वाक्य दिया हुआ है, सारा दिन पढ़ने के कारण वह अपनी आंखें गवा बैठा। इस वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो बच्चों आज मैंने आपको अभ्यास कार्य दिया है जिसे आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त।